अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुबा है और मरियम कम्युनिटी की तरफ से मैं आज फिर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज का जो मौजू हम लेकर आए हैं वो बहुत ही अहम है। औरतें हमारी माशरे का बहुत अहम हिस्सा होती हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी नस्लों को संवारें तो हमें अपनी औरतों को संवारना है, हमें उनकी हिफाजत करनी है ताकि हमारे आने वाले बच्चे जो हमारा माशरे का हिस्सा बनेंगे उनकी भी हम लोग अच्छे से हिफाजत कर सकें। जहाँ जहाँ कुछ औरतों के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि वो प्रेग्नेंट हैं, वहीं कुछ औरतों के लिए एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर थोड़ा सा ये एक परेशानी का बाइस भी बन जाता है। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि उनके हेल्थ इश्यूज हैं या बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हुए हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिसबा मलिक, जो कि हमारे साथ एक लाइव सेशन शेयर करने लगी हैं। और मैं चाहूँगी डॉक्टर साहिबा, हम पहले टॉपिक्स पर बात करें, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर मिसबा मलिक हूँ, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, और गायनी और ऑप से रिलेटेड जितने भी मसले हैं मैं थोड़ा मुख्तसरन बताऊँगी। जैसे जच्की के, चाहे नॉर्मल डिलीवरी से, चाहे सिजेरियन से, और हार्मोनल इम्बेलेंस जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी जो कि बहुत कॉमन है, ओवेरियन सिस्ट हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, इसी तरह बच्चा ना होने के मसाइल हैं, या बच्चा होने पे बार बार ज़ाया होने के मसाइल हैं, या फिर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे यूट्रस फाइब्रॉइड और यूट्रस कैंसर या ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन सिस्ट, उनकी ऑपरेशन के ज़रिए इलाज, दवाइयों के ज़रिए इलाज, या लेप्रोस्कोपी, या जिसको मरीज़ों की लैंग्वेज में लेज़र सर्जरी कहते हैं। ये सारे फील्ड्स में मैं पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। और एक जो नई चीज़ है वो कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी है, जिसमें पेशेंट्स के कॉस्मेटिक इश्यूज़ रिलेटेड टू गायनी सॉल्व किए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं हैंडल करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स के साथ, जी कि हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो हम उस पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जी PCOS, पी फॉर पॉली, सी फॉर सिस्ट एंड ओ फॉर ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवरी। और सिंड्रोम इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें ओवरी के अलावा बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। ये एक एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जो कि यंग लड़कियों में बहुत कॉमन है और होता जा रहा है, उसकी वजह मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। जब भी किसी बच्ची में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हों जिसमें पीरियड्स 10-15 दिन ऊपर हो जाना, या महीने स्किप हो जाना, या होने पे बहुत थोड़ी ब्लीडिंग होना, और कभी कभी इन फ्यू केसेस पूरा महीना थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होते जाना, ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हों, तो फ़ौरन आपको ये शक पड़ना चाहिए कि मुझे ये या कोई और हार्मोनल इम्बेलेंस तो नहीं है। इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवरीज में वेट गेन के इश्यूज़ आते हैं, और कुछ मर्दाना सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे चेहरे पर बाल, सीने पे बाल, एक्नी, चेहरे पे दाने आ जाना। इसी तरह इसमें मोटापा होने के भी चांसेस होते हैं, और शादीशुदा होने की सूरत में कंसीव ना होने के मसाइल, और कंसीव होकर बच्चे के ज़ाया होने के मसाइल, ये तमाम पॉलीसिस्टिक ओवरीज के नतीजे में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये तमाम चीज़ें हों, लेकिन इसमें से एक या दो सिम्टम्स ज़रूर होते हैं। और इसकी तशखीस जो है, पहले तो पेशेंट के हम पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। तकरीबन 60-70% तो डायग्नोसिस हो जाता है कि प्रॉब्ली इस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, जिसमें ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, मोटापा है, चेहरे पे बाल हैं, दाने हैं, कंसीव नहीं हो रहा। फिर हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड पे ओवरी पे मल्टीपल सिस्ट मिलती हैं, और ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिनमें हम हार्मोन्स करवाते हैं, जिनका नाम है FSH या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सीरम टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। ये नॉर्मल से डिफरेंट मिकदार में आते हैं। LH, इंसुलिन और एंड्रोजेंस आम औरतों के नस्बत ज़्यादा बनते हैं, और FSH जो है वो रिलेटिवली कम बनता है। सही है। थैंक यू सो मच कि हमने इसके ऊपर बात की है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन मसला है ये आजकल का, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे अवेयरनेस की। तो इसलिए हम लोग जो है वक्तन फवक्तन इसके ऊपर ज़रूर बात करते हैं, हमेशा करते हैं। अब हम जो नया टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो लेप्रोस्कोपिक ऑब्लिक लेज़र सर्जरी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। क्या सर्जरी है एक्चुअली, ये होती क्या है, क्यों करनी पड़ती है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सर्जरी ये एक मॉडिफिकेशन है, यानी जिसको हम आम जुबान में ऑपरेशन और सर्जरी बोलते हैं,
उसकी एक लेटेस्ट फॉर्म निकली है जी, जिसमें आपको लंबे लंबे कट नहीं देने पड़ते मरीजों को, 1, 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या सर्जरी होनी है, उन होल्स के ज़रिए हम वो ऑपरेशन कर लेते हैं जिसके लिए पहले पूरे पूरे इतने लंबे लंबे इंसीजन देने पड़ते थे। तो क्योंकि लंबे इंसीजन नहीं लगते, पूरा पेट नहीं खुलता, तो जाहिर है इसमें पेशेंट्स की सिम्टम्स, उसकी तकलीफ, उसकी बात की हीलिंग, हर चीज़ ओपन सर्जरी की निस्बत बेहतर होती है। तो आप बाकी तमाम फील्ड्स की तरह गायनी की बहुत सारी सर्जरीज भी इतनी ये लेटेस्ट है नहीं, लेकिन हमारे मुल्क के हिसाब से एक लेटेस्ट है। जैसे यूट्रस रिमूव करनी हो, यूट्रस के अंदर सॉलियाँ रिमूव करनी हो, सिस्ट रिमूव करनी हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी में कॉट्राइज करना हो, या इस तरह के और गायनी की चीज़ें, वो हम थ्रू लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें 2 to 3 होल्स बस 1 centimeter के पेट में दिए जाते हैं, जो कि बाद में नज़र भी नहीं आते। इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। जैसे आम जुबान में आजकल लेप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर स्टोन्स रिमूव हो रहे हैं, लेप्रोस्कोपी से अपेंडिक्स रिमूव हो रहे हैं, इसी तरह गायनी के बहुत सारे ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से होते हैं, और ये मेरी स्पेशलिटी है एंड इट्स माई पैशन एज वेल जी। ओके, तो अगर आपको ये करवाना है तो फिर डॉक्टर साहब ने बता दिया उनका पैशन है, तो बहुत अच्छे से करेंगे ये चीज़। अच्छा, मैं जो तीसरा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी वो है कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी, मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए पहले तो जी पेशेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। वो एजुकेट होंगे, उनको इस चीज़ की ज़रूरत में का एहसास होगा, तो वो इस तरफ उनको पता चलेगा इस चीज़ की भी ज़रूरत है। बाहर तो बहुत कॉमन है, जैसे बढ़ती उम्र के साथ या बच्चों की पैदाइश की वजह से या बीमारियों की वजह से या हमारा लाइफस्टाइल बहुत बुरा है, एक्सरसाइज फीमेल्स नहीं करती, डाइट कंट्रोल नहीं करती, जिसकी वजह से वक्त से बहुत पहले उनके हालात जो है वो खस्ता हो जाते हैं। तो उस सिलसिले में ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया। इसमें औरत का जो बच्चा पैदा करने का सिस्टम है वो वीक हो जाना, वजाइना का लूज़ हो जाना, डिस्चार्ज रहना, और फाउल स्मेलिंग लिक्विड आना, यूरिन का निकल जाना, मियाँ बीवी के ताल्लुकात का ख़राब हो जाना, इसके लिए कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी लेज़र है। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, सिंपल लेज़र है, जिसके बाद विजाइनल टाइटनिंग भी हो जाती है, उसका मिकोज़ा भी हेल्दी हो जाता है, डिस्चार्ज के प्रॉब्लम भी नहीं रहते, यूरिन निकल जाना या यूरिन पे लेस कंट्रोल होना वो भी हील हो जाता है। इसी तरह विद चाइल्ड बर्थ स्किन ब्लैक हो जाती है या रफ़ हो जाती है, या एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग स्किन उसका टेक्स्चर चेंज हो जाता है, उसका भी इलाज कॉस्मेटिक सर्जरी में है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी के ज़ुमरे में आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं अमेरिका से मैं इसके ऊपर स्पेशलाइज करके आई हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू एजुकेट द पेशेंट कि ये भी एक चीज़ है जो कि पॉसिबल है और जो कि होती है और जिसके लिए हमारे पास ये सहूलतें मैसर हैं। थैंक यू। ओके, जब हमने पोस्ट की थी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ केसेस भी थे लोगों ने डिस्कस किए, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इसके बाद हम यहाँ से भी क्वेश्चंस देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास एक केस आया था वो ये था कि क्वेश्चन पूछा गया था प्रेगनेंसी में किस पोजीशन के अंदर सोना चाहिए फीमेल्स को जब वो प्रेगनेंट होती हैं। तो प्रेगनेंसी में शुरू में तो आप जौन सी मर्जी पोजीशन में सोएं, कोई मैटर नहीं करता, आप उल्टा सोएं, सीधा सोएं, करवट पे सोएं, लिटरली बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। अनलेस अगर आपको वो हाजमे का प्रॉब्लम हो रहा है या सांस का मसला हो रहा है, तो इन दैट केस आप अपने सर और शोल्डर्स के नीचे तकिया रख के सोएं, और करवट पे प्रेफरेबली, चाहे दाएं चाहे बाएं। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे मर्जी सोएं। जो जो प्रेगनेंसी एडवांस होती है, जाहिर है बच्चे का साइज़ बढ़ता है और पेट भी बाहर को प्रोट्यूडेंट होता है, तो फिर उल्टा लेटना अनकम्फर्टेबल होता है, एक नेचुरल सी बात है। इन दैट केस आप करवट पे प्रेफरेबली लेटें, दाएं और बाएं का इतना फ़र्क नहीं है, सीधा भी लेटने में मसला नहीं है, लेकिन उसमें लड़कियों को सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप किसी भी करवट पे लेट जाइए, दैट इज द इशू एट ऑल। ओके, तो हम अपना अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये था कि आई एम 11 वीक्स प्रेग्नेंट एंड वाइट मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, इज इट नॉर्मल? दैट ये डिपेंड करता है जी, नॉर्मल भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकती है, एग्जामिनेशन पे पता चलता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर उसमें कोई बैड फाउल स्मेल नहीं है और उसकी वजह से अगर आपको इचिंग नहीं हो रही, तो मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। और अगर उसका रंग वाइट है, तो येलो ग्रे गदरा सा रंग नहीं है, तो भी मे बी वो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज ही, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन वो ये है कि हाउ मेनी सी सेक्शंस कैन बी पॉसिबल फॉर अ वुमेन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द कंसीविंग पावर?
देखिए पॉसिबिलिटी तो बहुत हो सकती है. हमारी औरत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लफ्ज़ों में हिम्मत वाली और बुरे लफ्ज़ों में ढीठ औरत है जी. कहने को पाँच पाँच छः छः सातवां सिजेरियन भी मैंने किया हुआ है, तो मुमकिन में तो ये हो सकता है. लेकिन प्रेफरेबली तीन ऑपरेशन के बाद अगर कोई मसला नहीं है ज़्यादा तो चौथा ऑपरेशन आप नहीं कराएं. डोंट प्ले विद योर बॉडी. मेरे तो अपने लेकिन अगर आपके माशाल्लाह तीन सिजेरियन से हुए बच्चे हयात हैं, नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल इससे ज़्यादा फैमिली मेंबर्स की ज़रूरत है या आप उनको हर तरह से पूरे पढ़ सकते हैं उनकी अपब्रिंगिंग में. तो प्रायोरिटी तो पेशेंट की अपनी है, लेकिन तीन के बाद चौथे पे आप नहीं आए तो बेहतर, और पाँचवें पे आके तो फिर आप ख़तरा ले रहे हैं. सही जी. अच्छा मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर्स अक्सर कह देते होते हैं फीमेल्स को कि बस इसके बाद बच्चा ना करना, तो वो क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर डॉक्टर्स जो है वो उनको मना कर देते हैं कि आप बेबी करोगे तो जान को खतरा है या कुछ, वो कौन सी चीज़ों से पता लगता है कि नाउ इज़ द प्रॉब्लम? हाँ, अगर डॉक्टर्स इतना स्ट्रिक्टली, कोई वैसे बहुत बड़े ऐसा मसला होता तो नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर इतने स्ट्रिक्टली कह रहा है तो उसके पीछे एक वजह तो यह है कि ये मल्टीपल सिजेरियन है, और उस डॉक्टर ने जो आपका इस जिस के बाद उसने अनाउंस किया है कि अब आप ना करें, उस सिजेरियन में इतने को बुरे हालात अंदर देखे हैं कि उसने आपको वार्न कर दिया कि अगली दफ़ा अगर आपने यूट्रस के ऊपर दोबारा से बच्चे का प्रेशर डाला तो यूट्रस नहीं सह पाएगा बच्चे को, और आपको और आपके अगले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है. या औरत में कोई ऐसी बीमारी हो, उसका बीपी बहुत अनकंट्रोल्ड हो, या उसमें कोई दिल का मसला हो, या कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, या लेटेस्ट डिलीवरी में अल्लाह रहम करे एम्बोलिज्म हुआ है, या कोई बहुत सवेर किस्म की डीवीटी हुई है, या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है जो कि बड़ी मुश्किल से इस दफ़ा कंट्रोल कर लिया गया लेकिन अगली दफ़ा नहीं होगा, या इस दफ़ा प्लेसेंटा मॉर्बिडिटी वो एडेरेंट था और इस दफ़ा बचत होगी, अगली दफ़ा बचत होने के चांसेस बहुत कम है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डॉक्टर आपको मना कर सकते हैं. मे बी आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम ऐसी है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, अगर इस तरह की कोई बात है तो डोंट प्ले विद योर लाइफ और इत्तफाक करें जितने बच्चे आपके पास हैं जी. ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि साइकोलॉजिकल हेल्थ का हम लोगों की इनफर्टिलिटी के ऊपर कितना ज़्यादा असर होता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का बेटा ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे बहुत इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. अब यहाँ पर बैठी हो, यही काम आप हंसते हुए कर रही हो तो यू विल इंजॉय इट, ये मजबूरी से घर से निकलो यही काम आपको मुसीबत लगेगा. तो इसी तरह इनफर्टिलिटी में अगर आप स्ट्रेस लेंगे, डिप्रेशन लेंगे, सारा वक्त की एंगजाइटी, इस दफ़ा भी पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आ ना जाएं, पीरियड्स आ जाएंगे तो सब पूछेंगे तो क्या कहूँगी, मेरे साथ वाले के दो बच्चे हो गए, मेरा सिर्फ एक हुआ है या मेरा हुआ नहीं, इन फैक्टर्स का बिलीव मी इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हम लोगों ने अपनी उस साइंटिफिक रीडिंग्स में ये देखा है कि जब हमने एक कपल को जवाब दे दिया कि आपके हमने हर तरह का जोर लगा लिया, आप नहीं प्रेग्नेंट होंगे, मुश्किल है, हमने अपना हर तरीका आजमा लिया है, एक दफ़ा मायूस होकर कपल घर चला गया और उन्होंने इस चीज़ पर अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हमारा बेबी नहीं होगा, एंड दे अडॉप्ट अ चाइल्ड. चाइल्ड अडॉप्ट करने के बाद दे गेट रिलैक्स और अपने बच्चे के साथ दिल लगा लेते हैं. आप बिलीव करें, ये हमारी स्टडीज़ हैं इंटरनेशनल भी और नेशनल में, विद इन अ ईयर और टू ईयर्स उस औरत ने कंसीव कर लिया. अब इसमें फैक्टर क्या था? साइकोलॉजिकल फैक्टर. द मोमेंट वो रिलैक्स हुए हैं और उन्होंने ये हर वक्त का स्ट्रेस निकाला है और अगले एक दो साल में उन्होंने कंसीव कर लिया. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट एंड दिस इन दिस मैटर एज वेल. ठीक है, मतलब कि अपने जो है मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी, जो कि इनफर्टिलिटी का एक कॉज हो सकता है. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ इशूज वुमेन यूजली फेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ? बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहले तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जी. औरत इतनी मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है और बच्चा भी जाहिर है उसके लिए भी सब कुछ नया होता है. अगर पहला बच्चा है तो हस्बैंड भी वेल ट्रेन नहीं होगा, और अगर घर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं. और अगर हेल्थ का ख्याल ना रखा जाए तो पेशेंट में ब्लड की कमी हो सकती है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बाज़ोकत विटामिन डी, कैल्शियम, मल्टी विटामिन, इनका प्रॉब्लम हो सकता है. अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर या शुगर आया है तो वो बाद में प्रसिस्ट कर सकता है, वो तंग कर सकता है. इसलिए बेटा बच्चा पैदा करने के बाद आप ये ना सोचें कि बस आप एवरीथिंग इज़ ओवर एंड आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. जो केयर आपने प्रेगनेंसी में किया आप डबल केयर करें, अपनी भी करें बच्चे की भी करें. डाइट भी अच्छी लें,
सप्लीमेंट्स भी अपने गायनोकोलॉजिस्ट से पूछें, वो आपको अच्छे से सप्लीमेंट्स भी दें. अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कहें वो आपको गाइड करें आपको कौन सी एक्सरसाइज इमीजिएटली कर लेनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आपको कुछ अरसे के बाद करनी चाहिए, और अपने हालात वाक़ात के मुताबिक इफ़ यू कैन गो टू जिम, इफ़ यू कैन हैव अ पर्सनल ट्रेनर तो गुड इनफ, नहीं तो बहुत से तरीके हैं कि आप घर में बैठ के सिर्फ अपनी ओन पे बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं. डाइट के मामले में डॉक्टर से गाइडेंस लें और अपने आप को स्पेशल प्रोटोकॉल दें. अगर आप चाहती हैं कि आप अपने प्यारों का ख्याल, बच्चों का, हस्बैंड का, ससुराल का, पेरेंट्स का, तो सबसे पहले बेटा अपना ख्याल करें. अच्छा, आपने डाइट की बात की तो मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी डाइट बहुत अच्छी होती है ड्यूरिंग और इवन आफ्टर प्रेगनेंसी. नहीं नहीं बेटा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें आपने प्रोटीन्स भी लेने हैं, वाइटमिन्स भी लेनी है, कार्ब्स भी लेनी है, कैल्शियम भी लेनी है. एक बैलेंस डाइट है, इट्स नॉट वन और टू डाइट्स जो मैं कहूँ ये आप लें तो बाकियों की ज़रूरत नहीं. आपको गोश्त भी खाना है जिसमें अप टू यू, बड़ा छोटा, चिकन, फिश, वट एवर. प्रेफरेबली सर्दियाँ हैं तो मछली खाइए, और मटन इज़ बेटर देन बीफ एंड चिकन, तो हमारा बहुत ही आपको पता है सस्पिशियस है. एग ज़रूर लें, दूध ज़रूर पिए, फल बहुत ज़्यादा खाएं, और ये जो जंक फूड है जिसमें शुगरी ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, ये पैकेट्स वाली चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, पिज्ज़ा है, ये जो बर्गर्स, वाइट फ्लोर की बनी हुई चीज़ें, डबल रोटियां, ये ना सिर्फ प्रेगनेंसी में, ना सिर्फ औरतें, ये दिस इज़ फॉर जनरली फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. इन चीज़ों को अवॉइड करें, और एज अ सोसाइटी यही चीज़ें इन हैं. हमारे हर खाने में रोटी है वाइट आटे की. जिस दिन हमने अपने आप को स्पेशल प्रोटोकॉल देना होता है, हम रोगनी नान मंगाते हैं, चावल हमारा फेवरेट है जी, और एक सैलेड जो कि फुल डाइट है, वो जब हम रोटी, बिरयानी, सालन सब कुछ खा लेते हैं तो उसके बाद हम सैलेड खाते हैं या ग्रीन टी पीते हैं या ग्रीन टी, ठीक है, और उसके बाद फिर मीठा खाते हैं, और अगर मीठा नहीं है तो वो मुंह मीठा करते हैं गुड़ से, चीनी से या कुछ. ये बड़ी अनहेल्दी चीज़ें हैं. एक वक्त में सैलेड खाइए, ज़्यादा खा लें, वो एक फुल मील है. कोई ये मानने को तैयार ही नहीं कि सैलेड फुल मील है. सूप पीजिए, यखनी पीजिए, गोश्त को स्टीम करके खाइए, रोटियाँ, चावल, इनको कम से कम लाइफ में करें. शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारी बॉडी को आदत पड़ी हुई है, लेकिन जूँ जूँ आप थोड़ा सा आप बॉडी को आदत डालेंगे तो फिर आपको सोचेंगे कि हम सारी उम्र ये सब क्यों अपने अंदर डालते रहे हैं बीमारी बढ़ाने के लिए. और इसके साथ कैलोरीज बर्न करना भी सीखिए, वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा. और ये भी ना सोचें कि वॉक बूढ़े लोगों के लिए है या मोटे लोगों के लिए है या जिनको बीमारी लग जाए उनके लिए. वॉक हर एक के लिए, एक्सरसाइज हर एक के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, हेल्दी के लिए, मोटों के लिए, पतलों के लिए, इनका रोल है. योगा, जिम, घर में एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, वो एक्सरसाइजेज जिसके एंड में आपको पसीने आए, आपका दिल जोर से धड़के, अगर आप रोज़ाना 35 to 40 मिनट्स की ये रूटीन बना लें, आप बिलीव करें हम डॉक्टरों की प्रैक्टिस ख़त्म हो जानी है जी. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं. हाय मैम, मेरी एक ओवरी में फॉलिक्यूलर सिस्ट है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट ओवरी पर, नॉर्मल है, कंसीव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं. गाइड फॉलिक्यूलर सिस्ट नॉर्मल है, मतलब इनको ये बताया गया कि नॉर्मल सिस्ट है जो होती होती है, मे बी इनको ये बताया गया है. फॉलिक्यूलर सिस्ट एक राइट साइड पर है और जो लेफ्ट है वो नॉर्मल, लेफ्ट वाली नॉर्मल उन्होंने बताई. अच्छा, फॉलिक्यूलर सिस्ट जो है ना बच्चे, अगर नाम यही है ना तो ये तो एक नॉर्मल सिस्ट होती है जो कि बाज़ोकात बन जाती है. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, यू शुड कंसीव. जितनी मुझे आपकी सवाल से समझ आई है बात की, अगर मैंने कुछ मिस नहीं किया तो इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं. मेरे 4 मिसकैरेजेस हो चुके हुए हैं और हर दफ़ा 8th वीक पर मिसकैरेज है, प्लीज़ बताएं वजह क्या हो सकती है. इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा फैक्टर लग रहा है. आप अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाइए, आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज को रूल आउट कीजिए, आप देखिए कि आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं है, और आपको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर तो नहीं है, शुगर, हाइपरटेंशन या कोई और ऐसा प्रॉब्लम जो कि काफ़ी अरसे से चलता आ रहा हो. ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि 8 weeks में मिसकैरेज की तरफ लेके जाती हैं, तो ये इन चीज़ों को रूल आउट कीजिए. और आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी होने ज़रूरी हैं, अल्ट्रासाउंड्स भी. यस, इट कैन बी रूल्ड आउट, एंड वंस द रीज़न इज़ रूल्ड आउट द ट्रीटमेंट कैन आल्सो बी डिसाइडेड. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट EVN कैप्सूल, क्या हम ले सकते हैं वो. देखिए बेटा, इस तरह से दवाइयों को तो मैं इस तरह फोरम पर मैं प्रमोट नहीं कर सकती.
लेकिन अपने डॉक्टर की हेल्प से, उनकी सजेशन से आप मल्टी विटामिन्स, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन डी, यस यू कैन टेक, बट आई वुड प्रेफर टू ट्राई टू टेक दीज विटामिन्स एंड एवरीथिंग थ्रू फूड. अगर फूड से ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो फिर आप सप्लीमेंट्स पे आइए, फूड पे फोकस कीजिए. हमारा जोर आजकल दवाइयों पे बहुत ज़्यादा है, और जब हम खाने खाने लगते हैं तो रोटियां चावल खा के हम पा रहे हैं, हम नहीं देखते किस चीज़ में कैल्शियम है, किस चीज़ में विटामिन ई है, किस चीज़ में विटामिन डी है, किस चीज़ में प्रोटीन है. थोड़ा बच्चे, हर बच्चे के पास मोबाइल है, उस पर नेट है, उस पर बेटा ये कॉस्मेटिक्स और ब्रांड के कपड़े और फिल्में गानों के बजाय यू कैन बी हाँ, और ज़्यादा गूगल नहीं मैं करने को आपको कह रही, लेकिन आप ये तो कर सकती हैं ना कौन से खाने में क्या है और हम कौन सा खाना खाएं तो बेहतर है, कौन सा अवॉइड करें. ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि समटाइम गलत इन्फॉर्मेशन होती है और आप ये रूल आउट नहीं कर सकते कि सही इन्फॉर्मेशन है कि गलत इन्फॉर्मेशन है, तो वो फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन पे चल पड़ते हैं. लेकिन जो ये चीज़ देखना, एक्सरसाइज कौन सी ज़रूरी है, कौन सा फूड बेहतर है, कौन सा अवॉइड करना, और अगर यूट्यूब नहीं तो अपने डॉक्टर से पूछिए, वो आपको गाइड करेगा. अगर थ्रू फूड कोई ज़रूरत नहीं पूरी नहीं हो रही तो फिर आपका डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे और फिर वो आप खुद से लें. सहेली खा रही है तो मैंने खा लेना है, जिठानी खा रही है तो मैं पीछे क्यों रहूँ, ये वाला काम प्लीज़ ना कीजिए जी. ओके, माय अगला क्वेश्चन है बरीरा का, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से रिलेटेड, बता दें क्या डाइट बेस्ट है. हाँ जी, पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है ना जी, हमारी दवाइयों की बारी बाद में आती है, सर्जरीज की बारी बाद में आती है, सबसे पहला इलाज है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज अपनी डाइट को फिक्स कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कैलोरीज बर्न कीजिए और वजन कम कीजिए. 90% लड़कियों को डॉक्टर्स की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब आपका सवाल डाइट से रिलेटेड है, उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ कि आपने ये वाइट फ्लोर की बनी हुई चीज़ें, डबल रोटियाँ, नान, पिज्ज़ा, समोसे, पकौड़े और ये जंक फूड, ये बिल्कुल ख़त्म कर लें, और ऑर्गेनिक चीज़ें, घर में पकी हुई चीज़ें और लेस कैलोरीज वाली चीज़ें ये आप लें, वेट कम करें और फिर आप देखें कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज कैसे गायब होती हैं. ठीक है, मैं इसी से मैं जो है आपके आपके साथ एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, ओबेसिटी एंड इनफर्टिलिटी और ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी बिफोर एंड आफ्टर. तो मैं इस चीज़ पे भी आपसे बात करना चाहूँगी, बहुत बड़ा कंसर्न है आजकल की हमारी खवातीन का कि उन्हें मोटापे से बहुत ज़्यादा ये होती है कि मैं प्रेग्नेंट होने के बाद जब डिलीवर हो जाएगा बेबी तो मैं कैसे वापस अपनी उस शेप के अंदर आऊँगी, तो वो चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जी, ओबेसिटी जो है ना जी, ये किसी भी फॉर्म में ये एक बहुत, मैं स्ट्रिक्ट लफ्स यूज़ करूँगी, लानत है. चाहे आप मर्द हैं, चाहे औरत हैं, चाहे आपके बच्चे, आपकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं है, आपने कंसीव करना है या नहीं करना, ओबेसिटी बहुत बड़ी बीमारी है. आपने इन एनी केस अपनी लाइफ में, आज अगर इस प्रोग्राम से आप लोग मोटिवेट होकर ओबेसिटी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो मैं समझूंगी मेरा मकसद पूरा हो गया. ओबेसिटी को अपने लिए एक दुश्मन समझें और उसको अपने नज़दीक फटकने भी ना दें. वट एवर द स्टेटस यू आर इन, यू आर मेल, यू आर फीमेल, यू आर प्रेगनेंट, यू हैव किड्स, यू डोंट हैव किड्स, यू वांट किड्स, यू डोंट वांट किड्स, आपने ओबेसिटी को अपने नज़दीक नहीं आने देना. अगर आप बच्चा चाहती हैं तो ये आपको कंसीव करने में तंग करेगा, अगर आप कंसीव कर लेती हैं तो ये आपको प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ मसाइल करेगा, अगर प्रेगनेंसी मुकम्मल हो जाती है तो डिलीवरी में ओबेसिटी तंग करेगी, डिलीवरी अगर हो जाती है नॉर्मल या सिजेरियन तो ये पोस्ट डिलीवरी पोस्ट सिजेरियन हीलिंग में प्रॉब्लम करेगी, अगर वहाँ से आप आगे निकल जाती हैं तो ये आपको बच्चे की पैदाइश के बाद आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को प्रॉब्लम करेगी, आपको फर्दर लाइफ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स, सीरियस के प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यू नेम एनीथिंग, उसकी बेस लाइन रीज़न ये ओबेसिटी निकलती है. तो ओबेसिटी को अवॉइड करें. रोज़ाना आधा पौना घंटा आपने वो एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको पसीने आए, आपका दिल धड़के, आपकी कैलोरीज बर्न हो. दिन में एक दफ़ा से ज़्यादा आप रोटी ना खाएं. रोटी में जौ के आटे की रोटी को प्रेफर करें. चावल बंद कर सकती हैं तो करें, वरना हफ्ते में एक या दो से ज़्यादा आपने चावल, और चावल का एक पोर्शन लें खुदा के लिए. फ्रूट्स, फ्रेश सैलड्स, सब्जियाँ, दूध, एग्स, मीट जो कि स्टीम करके आप खाएं, इस तरह के खानों को आप अपनी लाइफ में ज़्यादा, अपने लाइफ में, अपने स्पाउस की ज़िंदगी में, अपने बच्चों के लिए इन चीज़ को प्रमोट करें ताकि बीमारियों से बचें.
ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं। हिफ्सा हमसे पूछ रही है कि विदाउट मेडिकेशन इज इट पॉसिबल टू क्योर पीसीओएस एंड विदाउट मेडिकेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट रेगुलर, व्हाई मेडिसिन इज मस्ट टू ट्रीट पॉलीसिस्टिक। बेटे मैंने पहले आपको कहा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में दवाइयों का कोई काम नहीं है, यह आपने खुद हिम्मत करनी है। अब जहाँ खुद हिम्मत करने की बात आती है वहाँ पेशेंट्स हिम्मत हार जाते हैं, वो कहते हैं कुछ दवाइयाँ दें जिनसे कुछ चक्कर चल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, एक्सरसाइज ना करनी पड़े, स्पेशल मैं अपने लिए डाइट जो बच्चों के लिए पकाऊँ वही खा लूँ गुजारा हो जाए, इसका नहीं होता। आपको अपने लिए स्पेशल डाइट बनानी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ बच्चों को भी वो दें एक्सरसाइज, वही जो मैं उस वक्त से एक ही बात की जा रही हूँ। दवाइयाँ तब हैं जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सिम्टम्स बहुत सवेयर हैं, या उसके वो सिम्टम्स जो दवाइयों के बगैर ठीक नहीं होते। मसलन अगर आपको बच्चे पीसीओ की वजह से हिर्सुटिज्म है, चेहरे पे बाल आ गए हैं, तो बताएं मैं कौन सा ऐसा तरीका बताऊँ आपको कि वो बगैर दवाइयों के ठीक हो जाए। जो ऑलरेडी बाल आ चुके हैं वो तो बच्चे को क्रीम या लेज़र के ज़रिए जाएंगे, या यू हैव टू शेव और यू हैव टू ब्लीच, लेकिन वो दोबारा से आ जाएंगे। जिस हार्मोन की वजह से वो आते हैं उस हार्मोन्स को ट्रीट करने के लिए हमें दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं, एंटी एंड्रोजन्स देने पड़ सकते हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं और वो वेट कम होने के बावजूद होती जा रही हैं, देन वी हैव टू गिव यू ओसीपीस टू रेगुलराइज द पीरियड्स। अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं तो फिर हमें आपको एंटी ईस्ट्रोजन्स देने पड़ सकते हैं सो दैट यू कैन कंसीव। तो दैट डिपेंड्स कि पीसीओ से आपको प्रॉब्लम हो क्या रही है। अगर पीसीओ की वजह से इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वेट कम कीजिए और द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, वरना दैट डिपेंड्स कि आपको इशू है क्या, तो फिर उसकी वजह से हमें कभी कभी दवाइयाँ अक्सर बल्कि देनी पड़ जाती हैं। जी ठीक है, एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है एडिनोमायोसिस डाइट। हाँ जी, मैं इस चीज़ की उन्होंने पूछा है कि पेशेंट हूँ तो इसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए। एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस का डाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। एडिनोमायोसिस एक यूट्रस की प्रॉब्लम है जिसमें यूट्रस यूजुअल साइज से बड़ा हो जाता है, और मतलब अगर मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो बल्कि हो जाता है, सूज जाता है, नॉर्मल साइज से बड़े साइज का हो जाता है। उसकी वजह से औरत को क्या होता है कि उसको पीरियड्स में पेन बहुत होती है, अगर अभी तक कंसीव नहीं किया तो कंसीव करने के इश्यूज हो जाते हैं, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के मसले हो सकते हैं। इसका किसी ना कोई डाइट इसकी वजह बनती है और ना कोई डाइट इसका इलाज बनती है। इसका इलाज या तो कुछ दवाइयाँ हैं, अगर उनसे गुजारा हो जाए तो गुड इनाफ, नहीं तो अक्सर औकात इसमें ऑपरेशन करके यूट्रस को निकालना भी पड़ सकता है, जिसको हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। और वंस अगेन वो हिस्टेरेक्टमी या यूट्रस का निकालने का ऑपरेशन, एक तो वो ओपन वाला भी होता है और लैप्रोस्कोपिक ऑब्लिक लेज़र भी होता है, आप जिससे मर्जी कर जिस तरह करवाना चाहें, ये दो तरीके हैं। एडिनोमायोसिस का डाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसका इलाज डाइट से होता है, ना इसकी वजह किसी डाइट से होती है। जी ठीक है, अगला सवाल हमारे पास आया आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अ फ्रेंड, शी हैज़ डन 3 months कोर्स टू रेगुलेट हर पीरियड्स ड्यू टू द पीसीओएस बट स्टिल नॉट गेटिंग प्रेगनेंट, इज इट टू वरी। क्या इलाज किया उन्होंने पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए? 3 months कोर्स किया। आई डोंट नो अभी कौन सा कोर्स किया, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा मुझे आप एक कोर्स भी बता दें तो उसके बारे में डिस्कशन अच्छे तरीके से हो सकेगी। और जो हमसे पीसीओएस की डाइट के बारे में पूछ रहे हैं कि वो अबीज नहीं है तो क्या डाइट रखें अगर उनको पीसीओएस है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी हमारे लाइव सेशन तो थोड़ा सा पीछे करके देखें। डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल डाइट के बारे में सब कुछ सारा कुछ बताया और 2 से 3 बार बताया, तो आप थोड़ा सा अपना हमारा लाइव सेशन बैक करके देखिएगा। और फिर हमसे पूछा गया क्लिनिक कहाँ है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा जो है वो इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रैक्टिस करती हैं शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, जी एक्सेप्ट संडे। तो अगर आपको डॉक्टर साहिबा की अपॉइंटमेंट चाहिए हुई तो यहाँ लिंक मौजूद है, आप लिंक को क्लिक करके उनके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं, इफ़ मदर हैज़ पीसीओएस देन व्हाट विल इट बी इनहेरिटेड बाय हर डॉटर्स। यस ऑफ कोर्स, ये इनहेरिटेंस से बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं होने के। मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर्स हैं विच लीड्स टू हार्मोनल इम्बेलेंस, और दैट हार्मोनल इम्बेलेंस दैट इवेंचुअली लीड्स टू दिस प्रॉब्लम। कुछ हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा बढ़ के चेहरे पे बाल, एक्नी, मोटापे की तरफ ले जाते हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में हिंडर कर सकते हैं, कुछ हार्मोन्स गड़बड़ होकर पीरियड्स की प्रॉब्लम कर सकते हैं। येस ऑफ कोर्स, इफ मदर और एल्डर सिस्टर्स हैव पी सी ओ देर हाई चांसेज ऑफ हैविंग पी सी ओ इन सिबलिंग्स एंड इन डॉटर्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसके अंदर वो कह रही है मेरे पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि मुझे ये है भी कि नहीं, बट मैं कंसीव नहीं कर सक रही 5 सालों से, मेरी 7 साल की एक बेटी है। नहीं बच्चे, कंसीव ना करने के पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अलावा भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, और दिस रीज़न हैज़ टू बी रूल्ड आउट।
और जो रीज़न है इट कैन नॉट बी इट इट इज़ नॉट नेसेसरली इन फीमेल ओनली, द प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी इन द मेल्स एज वेल. सो यू नीड टू गो टू योर गायनोकोलॉजिस्ट एंड बी एवेल्युएटेड. पहले मालूम कीजिए कि आपको कोई हार्मोनल इम्बेलेंस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन का मसला तो नहीं है, कोई ओवुलेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ट्यूब्स का इशू तो नहीं है, और आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो बच्चे ये कोई रीज़न नहीं है जो आप रूल आउट कर सकें. ये सारी चीज़ें रूल आउट करके किसी नतीजे पे पहुंच के फिर उसको ट्रीट करना ज़रूरी है. एंड यू विल, एक बच्चा है तो मुझे उम्मीद है कि कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा और इजीली ट्रीट हो जाएगा. जी ओके. पीसीओएस क्योरेबल है कि नहीं है? जी पीसीओएस बिल्कुल क्योरेबल हैं. डिपेंड करता है, आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो प्रॉब्लम कर सकती है हमने उसको फोकस करना है. आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से आपको प्रेग्नेंट होने का मसला है तो हम उसको टारगेट करेंगे. आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का मसला है तो हम उसको टारगेट करेंगे. मोटापे का मसला है तो उसकी ट्रीटमेंट है. हिर्सुटिज्म का मसला है तो उसका, अब ये डिपेंड करता है. ऑल दी सिम्टम्स कैन बी मैनेज्ड, कोई इसमें इम्पॉसिबल डिजीज़ की बात नहीं है. एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तो जो भी सिम्टम हो उसने आपको हेल्प आउट करना है पीसीओ के ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. अच्छा, मैं मुझे अच्छे से याद है एक बार हमारी डिस्कशन हो रही थी रिगार्डिंग द पीरियड्स पेन, कि जो लड़कियां हैं आजकल की, स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स हैं, वो दवाइयों पे चली जाती हैं कि मुझे आराम के लिए दवाइयां चाहिए. तो मैं चाह रही थी कि आप उस पर भी बात करें कि इट्स नॉर्मल कि आपको जो है वो पेन होती है या नहीं होती है, तो हमें इस पर दवाइयों पर नहीं रिलाई करना चाहिए. मुझे इस, मैं चाह रही थी कि आप इस टॉपिक पे. तुम्हें बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है. अच्छा हाँ, बात ये बच्चे कि अगर आपको कोई भी पेन है, आपको हेडेक है, आपको पीरियड्स की पेन है, आपको सेफ मेडिसिन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेडिसिन बनी इसीलिए है, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ टॉलरेटिंग पेन जब आपके सामने एक सेफ मेडिसिन पड़ी हुई है. लेकिन बिला वजह दवाइयाँ लेते जाना वो भी ठीक नहीं है. तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं जो अवॉइड होनी चाहिए. एक वो एक्सट्रीम है कि दुनिया जहान के मसले हो जाए हमने दवाइयों पर लगना नहीं, ये जुमला कहते हैं जी ये दवाई तुम्हें लग जाएगी. किस तरह लग जाएगी, मैं पेशेंट से सवाल पूछती हूँ. मैंने कहा ये लगने का क्या मतलब है, पेन है आप अपने डॉक्टर से सलाह करके खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, येस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन एक ऐसी दवाई जो किस मसले के लिए बनी हुई है जो सेफ़ है उसको ना लेना कहाँ की अकलमंदी है. अलबत्त खुद से दवाई लेना, ये जो एक आधी दफ़ा डॉक्टर प्रिस्क्राइब की वो लेते चले जाना उस अमाउंट से ज़्यादा जितनी उसने बताई है, दैट शुड बी अवॉइडेड. तो पीरियड्स की पेन अगर आपको तंग करती है, देर इज़ नो हार्म ऑफ टेकिंग मेडिसिन, लेकिन डॉक्टर से मशवरे के बाद. और मशवरा जब डॉक्टर दे दे तो बच्चे फिर अपनी डॉक्टरी ना छाड़ें, फिर वो मेडिसिन आप लें और अपने आप को रिलीव करें. ठीक है. ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं. आई हैव टू इशूज, इरेगुलर पीरियड्स एंड फेशियल हेयर्स. एक सेकेंड, क्वेश्चन जो है वो, एंड माई वेट इज कंट्रोल अकॉर्डिंग टू BMI. दो प्रॉब्लम्स हैं इनकी, इरेगुलर पीरियड्स और फेशियल हेयर्स, और BMI भी इनका कंट्रोल्ड है. अच्छा, ये मैंने वैसे ऑलरेडी काफ़ी बता दिया, लेकिन अगर आपका BMI कंट्रोल है, BMI में बाकी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए, BMI जो है वो वेट ओबेसिटी को रूल आउट करने का एक फार्मूला है. इसमें पेशेंट का वेट KG में और हाइट मीटर में लेके उसको डिवाइड करते हैं, और 18-25 में अगर रेंज आ जाए तो वो नॉर्मल है, 18 से कम में वो अंडरवेट है, और 25 से ऊपर में वो समझ है कि ओबेसिटी की तरफ जा रहा है या जा चुका है या बुरी तरह से, वो डिपेंड करता है क्या रीडिंग आती है. अगर आपका BMI ठीक है तो ओबेसिटी इज़ नॉट योर इशू. फिर भी आप वॉक भी कीजिए और जंक फूड से अवॉइड कीजिए, जो कि और बहुत से मसलों का हाल है. अब आप ये कह रही हैं कि आपका BMI ठीक है फिर भी आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, ये बता. हाँ, तो बेटा इसके लिए फिर आपको ना कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, और क्योंकि आपका वेट कंट्रोल्ड है तो बहुत थोड़ी मेडिसिन से और बहुत थोड़े दिनों में आप ठीक हो जाएंगी, बट यू नीड टू टेक सम मेडिसिन. जी ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. हेलो, आई एम PCOS पेशेंट, हैवन कंसेप्ट फॉर 2 ईयर्स, हस्बैंड एनालिसिस इज फाइन, वेंट थ्रू 3 कोर्सेज ऑफ लेट्रोजोल इंडक्शन, एग्स गेट साइज ऑफ 20-24 millimeter, स्टिल नॉट कंसीविंग, व्हाट यू सजेस्ट? हाँ बच्चे, आपके हस्बैंड का फैक्टर नहीं है, और जो आप मुझे बता रही हो उसमें तो एग भी बहुत अच्छा आपका बना हुआ है. मेरा ख्याल ये है कि, और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको और सिस्ट नहीं आती हैं, छोटी छोटी सिस्ट कैंप पे नहीं आती, और एक ही एग आता है जो 20 सेंटीमीटर का है. तो फिर बच्चे आप रूल आउट करो कि क्या आपको ओवुलेशन भी होती है कि नहीं, नंबर वन. और नंबर टू, आप ना ट्यूबल फैक्टर्स भी रूल आउट करें. ट्यूब्स आपकी पेटेंट हैं, इसके लिए भी एक टेस्ट होते हैं, एक लेप्रोस्कोपी के ज़रिए पता किया जा सकता है और एक एक्सरे के ज़रिए पता किया जा सकता है. तो इन फैक्टर्स को आप रूल आउट करें.
अगर उनमें कोई मसला निकले तो फिर उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। ज़ारा, जिनसे हम पहले भी पूछ रहे थे कि वो हमें कोर्स का नाम बताएं, वो जो है बता रही हैं कि आई हैव बीन ऑन मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, आई कैन नॉट नो ये क्या चीज़ है। डायना फैमिली, अच्छा जी, डाय, हाँ ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड बट स्टिल हैव लेंथी पीरियड्स, बट आई हैड नो इशू इन कंसीविंग। आई हैव टू डॉटर्स, पॉइंट इज आफ्टर अ लॉट ऑफ मेडिसिन कोर्सेज स्टिल आई एम हैविंग सिस्ट। आई एम स्लिम, नो थायराइड इशूज, नाउ वॉट टू डू, स्टिल आई एम मीटिंग डियाने मेडिसिन एंड वेन विल आई स्टॉप दिस मेडिसिन प्रॉब्लम, फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, जो मुझे समझ आ रही है, बच्चे आपके पास हैं, ओबेसिटी आपको नहीं है और आपको सिर्फ पीरियड्स का मसला है, और वो शायद ये मसला है कि आपको स्किप होता है। लेंथी पीरियड से क्या मुराद है इनकी? स्किप हो जाते हैं अगर आप दवाई ना लें तो, नहीं आते पीरियड्स ज़्यादा, बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं। कितने अरसे तक रहते हैं? अगर तो बच्चे वो 7-8 दिन रहते हैं तो आई डोंट थिंक इट्स अ इशू, और अगर वो स्किप हो जाते हैं तो क्या आप दवाइयाँ ना लें तो वो बिल्कुल आते ही नहीं है, या वो कुछ अरसे के बाद आते हैं? अगर तो वो आ जाते हैं किसी तरह से भी बगैर दवाई के, तो यू डोंट नीड टू टेक एनी मेडिसिन, मसला क्या है फिर? और अगर लेंथी होते हैं 10 दिन से ज़्यादा तो फिर प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ अगर वो 8-9 दिन रहते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए आपको इतना कॉन्स्टेंटली हर ब्रांड के वो लेने की ज़रूरत है। उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आपको अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ स्कैन पे पीसीओ आने पे और थोड़े से पीरियड्स 2-3 दिन ऊपर होने से कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। 12 डेज चलते हैं, 12 डेज, और 12 डेज फुल फ्लैश चलते हैं। बस अभी उन्होंने लिखा है कि नहीं, 12 डेज चलते हैं ऑलमोस्ट। नहीं नहीं बेटा, आप अपना सिर्फ डाइट को कंट्रोल करें, जो मैंने डाइट्स बताई हैं वो मैं आए, मुझे समझ आ गया वो 20 नहीं है, लेकिन अपनी डाइट को कंट्रोल करें एंड स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन, क्योंकि मैं ये इंप्रेशन ले रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं। इनको आप बंद कीजिए, अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आई कैन गारंटी कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। और डाइट जो मैंने बताई है वो वाली डाइट लेनी है आपने। ठीक है। फरा है, उन्होंने कहा है ब्रूटेन दी थी पीसीओज में, साथ में हाइपो दी थी 3 मंथ्स पर, पीरियड्स लॉन्ग टर्म हो गए थे, तो साथ में मेरी 2 और मेडिसिन भी दी थी। तो बहुत अच्छा किया बेटा, ब्रूटेन दब देते हैं जब, फिर दवाई का नाम लेना पड़ जाता है। जब आपका प्रोलैक्टिन रेज हो तो इनसे वो प्रोलैक्टिन नॉर्मल हो जाएगा और आपके पीरियड्स ठीक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ हमसे दवाइयों के नाम या उनके बारे में डिस्कशन मत करें, क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं अलाउ होता। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन अपना लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं जो है वो लेना चाहूँगी कि आइडियल वेट क्या होता है प्रेग्नेंट होने के लिए। हाँ बच्चे, जितना वेट आपका टू बिगिन विद है उससे एक स्टेडी और एक ग्रेजुअल रेज होना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जब प्रेग्नेंट हों तो आपका उस वक्त वेट 60 kg हो, 70 kg हो। आप पहली बात तो ये, वंस अगेन आपको अंडर वेट और ओवर वेट नहीं होना चाहिए, और दूसरा जितना भी वेट हो वो, अगर आप 50 हैं तो तकरीबन 10 kg बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, 10-15 kg तक आपका वेट ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि होना कितना चाहिए, जितना वेट है उससे हर महीने स्टेडली वेट बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं ल्यूकोरिया के बारे में बात करना चाहूँगी, वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज, ट्रांसपेरेंट जो होता है। हाँ। और मेरे ख्याल में बहुत कॉमन है गर्ल्स जी, में जी। तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा पूछना है कि क्या रीजंस हैं, क्यों, क्या कॉजेज हैं, और ये नॉर्मल है या इसके बारे में कोई खतरा कुछ ऐसी चीज़ है? बच्चे ये वही मैंने जो ल्यूकोरिया डिस्चार्ज, एक ही लफ्ज़ के ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज, ट्रांसपेरेंट है अगर उसका कोई कलर नहीं है, अगर उसमें स्मेल नहीं है, अगर उसे इचिंग नहीं है, और अगर वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं है कि आपको उसको मैनेज करना पड़े, तो दैट इज़ नॉर्मल डिस्चार्ज। उसकी टेंशन मत लें, अपनी डाइट हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें, ओवरऑल सारी हेल्दी रहेंगी, विजाइनल हेल्थ भी ठीक रहेगी और ये डिस्चार्ज भी नहीं रहेगा। और बहुत ज़्यादा कोई मसला ना हो तो इसके लिए कोई बहुत ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सही है। आगे हमसे जो है इरेगुलर पीरियड्स के बारे में क्वेश्चन आया कि मुझे 2 या 3 महीने पीरियड्स नहीं आते और फिर 3 से 4 महीने पीरियड्स आते हैं। तो वही वाली बात है ना बच्चे, आप देखो आपको ओबेसिटी तो नहीं है, टेस्ट करवाओ स्कैन पे, कोई ओवरीज में इशू तो नहीं है, या फिर कोई रसौलियाँ तो नहीं है यूट्रस के अंदर, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, ये तो रूल आउट करना पड़ेगा बेटा। बिल्कुल ठीक है। अब हम जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके ऊपर, जनरल गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो आपके पास ज़्यादा केसेस आते हैं,
आजकल वो किन किन चीज़ों को प्रॉब्लम्स को लेके आ रही है? कोई नाउ डेज कोई ऐसी चीज़ चल रही हो फीमेल्स के अंदर जो कि बहुत कॉमन है और जिसको अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है हमें? हाँ कॉमन बेटा, सबसे पहले तो ये ओबेसिटी है। ओबेसिटी को ट्रीट कीजिए जिस तरह मर्जी करें आप, आपके जितनी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, जो भी आपका सिनेरियो है, मेरे कह देने से तो मसला हल नहीं होगा। आपने अपना सिनेरियो देखना है, आप किस हद तक जा सकती हैं अपने प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में, और वेयर देर इज़ विल देर इज़ अ वे। मोटिवेशन होनी चाहिए, इंसान का इरादा होना चाहिए, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने अपने वेट को कंट्रोल करना है और उसमें एक्सट्रीम पे जाके आपने फाके नहीं करने और एक्सट्रीम पे एक्सरसाइज भी नहीं करनी, तो हड्डी वगैरह आपने एक दरमियाना रवी से एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके ज़रिए वेट कंट्रोल करना है। ओबेसिटी इज़ दी मेजर इशू जिसको लोग लिफ्ट इन, किसी मरीज़ को मैं कहूँ आप इसलिए कंसीव नहीं कर रही बेटा आप ओबीस हैं, वो मुझे बताना शुरू हो जाती है, मेरी बहन मेरे से भी ओबीस है, उसके 4 बच्चे हैं, मेरे साथ वाली हैं वो तो मेरे से डबल होंगी उनके 6 बेटा, उनके हो गए ना, आपका नहीं हो रहा, तो आप में तो रीज़न निकालनी है ना। कुछ लोगों में कुछ रीजन होती हैं, कुछ में कुछ रीजन होती हैं, और अदर देन एनी इशू ओबेसिटी बजाते खुद भी एक बीमारी है। तो एक ओबेसिटी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, एक हार्मोनल इम्बेलेंस जिसमें पीसीओ टॉप पर है, ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमन हो रही हैं, कैंसर्स बहुत कॉमन हो रहे हैं, इसलिए कि हम लोग घर बैठे रहते हैं, एवरी 3rd मंथ जो टेस्ट रिकमेंडेड है, यूट्रस के मुंह से जो एक सैंपल लेके दिया जाता है जो कि रिकमेंडेड है, वो कोई भी नहीं करवाता, एक साल में एक दफ़ा रूटीन चेकअप्स नहीं लोग करवाते, जाके स्कैन, एक नॉर्मल चेकअप। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे पास एक साल में 2 या 3 से ज़्यादा मरीज़ ये कह के आते हो कि जी हम बाय द वे सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, जस्ट टू असेस आर नॉर्मल हेल्थ। अब वो कहें तो वो आप तो डॉक्टर कहेंगे आप लोगों ने तो पैसे कमाने हैं, फिर इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, फिर नतीजा ये होता है कि चीज़ों को इग्नोर कर करके काफ़ी लिमिट्स को, मसलों को बढ़ा के फिर आप आते हो और अपने लिए मसाइल बढ़ाते। तो अपनी एक रूटीन नॉर्मल चेकअप ज़रूर करवाइए। फिर बच्चा ना होने के मसले बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, ये कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी से जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पार्लर जाके फेशियल और ये रिंकल्स के लिए लेज़र, इनका बड़ा शौक है, लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक हेल्थ हेल्थ से वो नहीं है, वो कहते हैं ना जी वो शहर वाले पास हो सारा हो जाए बंदोबस्त, अंदर से बुरे खस्ता हालात हैं। तो इन चीज़ों पे प्लीज़ आप फोकस कीजिए। और आप सेल्फिश होना, देखें अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना सेल्फिश होना नहीं है, अगर आप अपने साथ साथ बाकी सब लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं। यहाँ ये सोचा जाता है कि अपने आप को त्याग के कुर्बानी का बकरा बन के अगर आप लोगों का ख्याल कर रहे हैं तो आप एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बीवी हैं। ये क्या क्राइटेरिया है जी? अपना ख्याल रखें हर तरह से और आप बाकी सबका भी ख्याल रखें, इस तरह आप उनके भी फ़राइज़ पूरे कर रही हैं और अपने अपने साथ जो आपके हकूक हैं वो भी पूरे करें। अगर आप ही बिस्तर पे पूरी पड़ जाएंगी तो आप हाउ आर यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर यस फैमिली? अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, अपनी हेल्थ का, वेट का, बोन्स का, स्किन का, बालों का, एक आइडियल वुमेन बने जिसकी लोग मिसालें दें कि ये एक खातून है जो कि बाहर के काम भी करती है, घर का काम भी करती है, बच्चे भी देखती है, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ती है, और वेट देखो इसका पता ही नहीं चलता कि 35 साल की 40 साल की है, और घर वाले इससे खुश हैं, वो औरत बने, सर झाड़ मुंह फाड़ बुरा हाल, एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा आपको अपने आप को देखने को दिल ना करे, ऐसी कुर्बानी प्लीज़ आप ना दें। अच्छा जी, लाइव सेशन में बिल्कुल ख़त्म होने को जा रहा है, मैं बस आखिरी कुछ सवाल लेना चाहूँगी, बेस्ट टेस्ट आप कौन सा रेकमेंड करती हैं पीसीओएस के लिए? नहीं बेटा, ये रेकमेंड मैंने कौन सा टेस्ट है बच्चे, ये इसमें हिस्ट्री है, इसमें अल्ट्रासाउंड है और इसमें ब्लड टेस्ट है, वो तीनों चारों चीज़ें कराते हैं और उसमें 3 में से 2 क्राइटेरिया मीट हो जाएं तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज इज डायग्नोस्ड। ठीक है। हाँ जी, आई वॉन्ट टू कंसीव, समटाइम माई पीरियड्स गेट इरेगुलर, समटाइम्स आई गेट आफ्टर मंथ्स, आई डोंट टेक मेडिकेशन, आई एम अ पॉलीसिस्टिक, वेयर टू स्टार्ट नाउ, वट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप टू कंसीव, आई एम नॉट ओबीस? गो टू योर डॉक्टर इमीजिएटली, फाइंड अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड गो टू हर पॉसिबल। ओके, वट इज़ द रीज़न ऑफ ट्यूब ब्लॉक एंड डिड द लेप्रोस्कोपिक टेस्ट हैव नो साइड इफेक्ट्स? नो, लेप्रोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का कोई इफेक्ट नहीं होता बच्चे, कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कैमरे के जैसे हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं आमने सामने, इस तरह हम आपके अंदर के बॉडी का सिस्टम देख लेते हैं, इतना क्लियर ना अल्ट्रासाउंड पे कुछ होता है ना किसी और रिपोर्ट पे कुछ होता है। उसमें हम यूट्रस भी देख लेते हैं, ओवरीज भी देख लेते हैं, कुछ एडिशंस बनी होती हैं वो भी देख लेते हैं, एक बीमारी है
चीज़ होती है जो कि कभी कभी किसी चीज़ पे नहीं आती और इसमें नज़र आ जाती है, वो भी डायग्नोज हो जाती है, कभी कभी वो उसी वक्त ट्रीट भी हो जाती है, और लेप्रोस्कोपी में ट्यूबल्स पेटेंसी भी चेक हो जाती है और छोटे मोटे ट्यूब्स के मसले भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो लेप्रोस्कोपी इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टेस्ट जिनमें रिकमेंडेड हो, जिनमें उनकी रीज़न हो। ठीक है, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, अपने सवालों का। आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से हमने दे दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो आपने अगर मज़ीद कुछ पूछना है, ट्रॉक साहिबा बिल्कुल अवेलेबल हैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 7 से 10 बजे मंडे टू सैटरडे, तो आप जो है मरहम के ज़रिए उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मोर ओवर शी इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर द ऑनलाइन कंसल्टेशंस, तो अगर आपको ऑनलाइन कुछ पूछना है तो आप इनको कॉल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मरहम से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका यहाँ पे आने का और हमारे साथ जो है लाइव सेशन या अवेयरनेस सेशन को ज्वाइन करने का। थैंक यू, हम फिर आएंगे अगले लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।